हाय गाइज, वेलकम बैक टू भोजपुरी सीरीज। मैं रुधीर, कैसे हैं आप लोग गाइज? आज हम लोग देखने वाले हैं कॉफी विद मी ऑफिशियल चैनल से मनीष कश्यप ने अपने विरोधी पत्रकारों की जमकर लगाई क्लास, मेरे नाम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ज्यादा परेशान जो है बिहार के लोग, आज लोग कहता है कि मनीष कश्यप फलाना है, ढिकाना है, या हुआ है। अरे 10,000 लोग पत्रकार बन गए हैं मेरे वजह से, और 10,000 लोग कम से कम 20-25,000 रुपया कम से कम महीना कमाते हैं। बेरोजगार तो नहीं है? जिनको बोलने नहीं आता है वो भी बढ़िया पत्रकारिता कर रहे हैं, बोलने नहीं आता तब मुंह में माइक ठूस के जो है हीरोबाजी तो करिए दे रहा है सिस्टम से, कि क्या भ्रष्टाचार कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। आज जो है बिहार के सारे नेता जो है ना, ये डिजिटल मीडिया के पत्रकार से परेशान है, सारे के सारे नेता बैन की मांग कर रहे हैं कि डिजिटल मीडिया पे बैन होना चाहिए, बैन की मांग कर रहे हैं। और आज बिहार में अगर 1% करप्शन कम हुआ है ना, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है डिजिटल मीडिया का। डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है, प्रिंट मीडिया का सबसे बड़ा योगदान, ये दो मीडिया का मैं नाम रखूं, डिजिटल और प्रिंट। प्रिंट में दिखाता है और बहुत अच्छे ढंग से बारीकी से खबर दिखाता है, आप सभी को पता है, कभी पेपर पढ़ के देखिएगा। लोग कहते हैं कि पेपर जो है पहले छपने के बाद बिकता था और बिकने के बाद छप रहा है, आज हमने पेपर पढ़ना छोड़ दिया, तो बिकना तो पड़ेगा उसे, अब बिक के छपना पड़ेगा। आज पढ़िए आप लोग दैनिक भास्कर, हर दिन जो है उसमें 4-5 भ्रष्टाचार की कहानी जो है उजागर होती है, और पढ़ना चाहिए। जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं ना, उनको जो है अगर वो पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो समझिए कि अगर आप अच्छे पत्रकार नहीं बने। उनको पढ़ना चाहिए, आधा एक घंटा पेपर पढ़ना चाहिए, और हम सबके यहाँ पेपर आना चाहिए। ये टैटू आपने बनाया है, सही है कि नहीं? अब इनको मैं मोबाइल दूँ कि नहीं दूँ? दे दूंगा तो आप लोग बोलिएगा इतना पैसा कहाँ से आ रहा है मनीष कश्यप के पास, मैं कैसे जवाब दूंगा? 10-12 लाख रुपया कमा लेता हूँ ईमानदारी से, ठीक है, उसमें सैलरी ओलरी सब स्टाफ का दे दा के जो है ना, जो प्रॉफिट होता है उसमें से 2-2.5 लाख रुपया का मदद हर महीना करूँ, कुछ दिखाता हूँ कुछ नहीं दिखाता हूँ। अब मैं क्या करूँ आप बताइए, इनसे आप अपना मम्मी कसम खा के, माँ का कसम खा के बोलिए, पिता का। अब लोग बोलेंगे कि कसमो खिलाता है मनीष कश्यप हुआ, करे तो करे, क्या करे, हाँ क्या करे, आप ही बताइए। मैं राजस्थान में गया था तो एक भाई ने कहा बिहार छोड़ के भाग गया मनीष कश्यप, जब मैं बिहार में था तो राजस्थान में घटना घटा था, तब वो बोला कि राजस्थान में आने का हिम्मत नहीं हो रहा है मनीष कश्यप। जब मैं झारखंड में था तो बिहार के खबर को क्यों नहीं दिखा रहे हो, और जब मैं बिहार में हूं तो बोलता है कि लखीमपुर खीरी क्यों नहीं जा रहे हो उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी, सही है कि नहीं? और आज मुझसे कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ में जो लड़कियों के साथ जो गलत हुआ वहां पे क्यों नहीं जा रहे? यार मैं इकलौता हूँ, अकेले हूँ, मैं अपने हिसाब से चलूंगा कि आपके कहने से चलूंगा, सही बात है। और अगर 10 को पोस्ट कोई किया, बुलाया अपने एरिया में, ब्लॉक में, जिला में, नहीं गया तो ग्राम पोस्ट में मनीष कश्यप के माइये बाबू से गरियाना शुरू करता है। अच्छा ये बताइए भैया कि नेता लोग को नहीं खोजा जा रहा है, कहीं भी कांड हो रहा है तो मनीष कश्यप को क्यों खोजा जा रहा है? नेता हैं अच्छे हैं, उन्हें खोजा जाता है, कुछ अच्छे नेता हैं। पप्पू यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद है, हमेशा हर वीडियो में उनका इंटरव्यू लेते दौरान कहा हूँ कि वैचारिक मतभेद है आपसे मेरा, क्योंकि उनका विचारधारा अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, अच्छा काम करते हैं, उन्हें खोजा जाता है, सही बात सब है। एको को पार्टी कट, एको को नहीं जीते हैं पप्पू यादव, एको सीट जीते हैं पप्पू यादव, मैं उनके पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, कल उनके पार्टी का एको नेता हमको गरियाया, जाके फेसबुक पे देखिए लोग, एको युवा नेता गरियाया हमको, जाके देख लीजिए लोग, कल है पप्पू यादव जी के पार्टी का ऑफिशियल पेज से वो वीडियो शेयर हुआ, यानी पप्पू यादव जी मेरे से खफा है, नाराज है, ये बात सत्य, हमको फर्क नहीं पड़ता, नाराज रहे, वैचारिक मतभेद रहेगा, हम खुल के बोलेंगे ऑन कैमरा कि वैचारिक मतभेद है आपसे, रहेगा, काम करते हैं। अच्छा बाढ़ में जब 140 केजी वजन वाला आदमी जो है जेसीबी में लटक के जो है लोगों के बीच में पहुंच जाता है, तो युवा नेता, जिम करने वाले नेता क्यों नहीं पहुंचते? ये चीज है भैया। बेगूसराय का आपको बदनाम किया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? बेगूसराय का एक कांड हुआ है जिसमें जो है कुछ लोग साजिश करके अपराधी का फोटो के साथ एडिट करके, दानापुर का एक व्यक्ति है उनका फोटो और मेरा फोटो वायरल कर रहे हैं, और दानापुर के आदमी को बता रहे हैं कि मुख्य अपराधी यही है और मनीष कश्यप के साथ इसका सांठगांठ है,
यानी कहने का मतलब है कि दुकान आपको चलाना है तो मनीष कश्यप का विरोध करना है, ऐसा नहीं है यार। समर्थन भी करके जो है आप अच्छा काम कर सकते हैं, ये चीजें है। सही बात है यार, वो होती है ना, लोगों ने सीख ली है, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है नेगेटिव पब्लिसिटी, है ना, नेगेटिव पब्लिसिटी लोगों ने सीख दी है, सीख ली है कि हाँ हम अपनी जितनी ज़्यादा बेइज्जती करवाएंगे ना उतना ज़्यादा वीडियो चलेगा, उतना ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना ज़्यादा लोग देख के भले चार गाली दें लेकिन देखेंगे, है ना, तो उससे व्यूज़ बढ़ेगा, ठीक है, उससे रीच बढ़ेगी। तो ये चीज़ है आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई लोग इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं जिसपे थंबनेल पे बड़ा बुरा सा लिखेंगे, कुछ भी बुरा लिखेंगे, ठीक है। न्यूज़ मीडिया में भी ये देखा गया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं इस पे यूट्यूब पे, ठीक है, और वो उन पर भी देखा गया है, और जो कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी वाले चैनल्स होते हैं या कुछ कुछ भी, अगर उन्हें वीडियो कोई भी चलानी है तो वो कुछ का कुछ बना के, है ना, मुंह से ऐसे बबल निकाल दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, ये वो बोला, इस फलाना स्टार ने ये बोला, फलाना इंसान ने ये बोला, मनीष कश्यप ने ये क्या बोला, है ना, फलाने आदमी को ये क्या बोल दिया, तो इस टाइप के बहुत सारे थंबनेल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। जैसे कि ऊपर से बहुत बुरा बुरा दिखाएंगे कि थंबनेल पे बहुत बुरा दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा बुरा दिखाएंगे, हद से ज़्यादा, कि इंसान मजबूर हो जाए उस थंबनेल पे क्लिक करने को, है ना, तो इतना बुरा दिखाएंगे। और अंदर वीडियो में जाओ तब क्या है, कुछ नहीं भैया, मनीष कश्यप जो हमारे बिहार के इंजीनियर हैं, ठीक है, उनके रिलाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है भाई, वाकई यार काफ़ी पब्लिक जो होती है, देखो एक आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी, ठीक है, जितने मुंह उतनी बातें, तो आप हर किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, पहली बात तो हर किसी को आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते अपनी बातों से, अपने कर्मों से, अपने काम से, है ना, आप कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर रहे हों, लोग उसमें कुछ ना कुछ बुराई निकाल ही लेंगे कोई ना कोई लोग, ठीक है। सो ये होता है भाई, ये हर किसी के साथ होता है, है ना। सो यार बढ़िया इंटरव्यू था, बहुत अच्छी तरीके से मनीष जी ने लोगों को समझाया, है ना, जो विरोध करते हैं उनको भी समझाया, जो समर्थन करते हैं उन्हें भी दिखाया, है ना, वो टैटू बना के वो भैया जी बैठे हुए थे तो, और दोनों हाथ यू करके बैठे हुए हैं कि भैया मेरा टैटू ज़रूर आना चाहिए। वैसे वो हाथ इस तरह करके बैठते, तब भी फोटो वोटो खिंचाने के लिए ऐसे कर लो तो कोई बात नहीं, वो बेचारा पूरे टाइम ऐसे करके बैठा हुआ था, है ना, तो मतलब मुझे बस एक थोड़ा सा फील हो रहा था कि उसको ऐसे करके इतनी देर तक बैठना पड़ रहा है। खैर यार उसको छोड़ दो। खैर बहुत ही अच्छी वीडियो थी, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।